Hello everyone, I am Aditya Yadav and you are watching The Social Indian and welcome to the very first episode of LLB Diaries. And in this video series we will be talking about ki aap LLB ko kaise tackle karein aur LLB mein aapke 3 saal ka experience kaise rehne wala hai, usko hum step by step aapke paas aayenge, step by step aapko cheeze batayenge aur saath hi saath hum aapko batayenge wo master tips jo aapko follow karni chahiye, jin cheezon mein humne galtiyan ki jo hame lagta hai ki bhai ek saal mein agar hum ye karte to shayad zyada productive hoti चीजें, वो चीजें हम आपके साथ आज लेकर आए हैं और इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी सबसे पहले स्टडीज पर, दूसरा हम बात करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज पर और तीसरा हम बात करेंगे इंटर्नशिप्स पर। ये तीनों जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग तरीके से एक एक वीडियो मांगते हैं लेकिन हमने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू आपको हम इसी वीडियो में दे दें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। अगर हम स्टडीज की बात करें तो आप यहाँ पर जब लॉ स्कूल में एडमिशन ले रहे थे तो आपका अल्टीमेट गोल यही था कि आप लॉ पढ़ेंगे, अच्छे से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। अब जब आपने यहाँ पर एडमिशन ले ही लिया है तो स्टडीज आपकी प्राइमरी फोकस पर रहेगी ही रहेगी और मैं मानता भी हूँ कि ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके जो काम आने वाली चीज है वो यही है कि वो स्टडीज है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से फोकस पढ़ेंगे तो शायद आप अच्छे मार्क्स स्कोर पर कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाने ना कर पाने से ज्यादा मैं मानूंगा कि यहाँ पर नॉलेज आपके लिए मैटर करेगी। तो अच्छे से अच्छी नॉलेज गेन करिए, अच्छे से अच्छे नॉलेज कलेक्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए और पढ़ने की आदत अभी से डाल लीजिए क्योंकि ये आपको आगे भी काम आने वाली है। तो स्टडीज की अगर हम बात करते हैं तो लोग पूछ रहे थे कि सर आप ये बताइए केस मैट से कैसे पढ़ें, दुखियों से कैसे पढ़ें, रेफरेंस बुक कौन सी यूज करें। तो रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो वो अलग वीडियो मांगती है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी रेफरेंस बुक ली जाए, उसकी हम कोशिश करेंगे, उसके लिए जल्दी आपके लिए वीडियो लाए। अब हम बात करते हैं दुखियों की, तो दुखियां जी हाँ, एक मीम भी चला था लास्ट ईयर जब तेरा घाटा गाना आया था, दुखी कह रही होती हमसे कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो जी हाँ, मैं कहूंगा आपको दुखियों का यूज करिए, दुखियां भी आपके काम आने वाली चीज है। अगर आप एक रात या दो रात पहले एग्जाम से भी दुखी को लेकर बैठेंगे तो आप ये जानेंगे कि भाई जो दुखी की लैंग्वेज है वो इतनी आसान है कि आप एक बार पढ़कर भी उसे सारा समझ सकते हैं, सारा आपको याद रह जाएगा। तो दुखी के ये बेनिफिट है। लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके जो डाउट हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आप ज्यादा समय दे सकते हैं, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक रीडिंग आप दुखी की दे दें, उसके बाद आप रेफरेंस बुक पर जाएं तो वो थोड़ी कंसोलिडेटेड रीडिंग हो जाएगी। जब तीसरी बार आप एग्जाम में पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आप जिंदगी भर वो भूल पाएंगे। अब बात करते हैं हम केस मटेरियल की, जिसे हम प्यार से केस मैट भी कहते हैं। प्यार से बुलाने वाले लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें मिलते हैं कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर जब आप हमें मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। ऐसे ही मिलते रहिए, ऐसे ही बने रहिए। केस मटेरियल की अगर हम बात करें तो केस मटेरियल जो है वो DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक थोड़ी यूनिक आप ये लगा सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पर केस मटेरियल के द्वारा केस स्टडी की जाती है। अब जो आपने केस देखे होंगे, आपके केस मैट्स अगर आपको मिल गए होंगे और नहीं मिले हैं तो जल्दी आप कलेक्ट कर लीजिए, मिलने लग गए हैं। तो आप जब केस स्टडी देखेंगे, केस लॉज देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जो केस लॉज हैं वो सिलेक्टिवली यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं उसी लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। अब अगर आप एक केस को पढ़ेंगे तो एक केस को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये केस मैट की वैल्यू क्या है। हाँ, शुरू में पढ़ने में थोड़ा टफ लगेगा, आखिरी के दिनों में एग्जाम में लेकर ना बैठें, इसीलिए अगर हो सकता है तो अभी से पढ़ना शुरू कर लें केस मैट। जितना अच्छे से केस मैट पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतने ही आपके डाउट्स ज़्यादा क्लियर होंगे, उतने ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी। अब हम दूसरी बात करते हैं कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ की। कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। ये वो रंगमंच है जहाँ पर एक आर्टिस्ट अपने आप को कुछ भी दिखा सकता है। यहाँ पर मैं सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने उदाहरण दिया है कि आप में जो भी पोटेंशियल है आप उसे दिखा सकते हैं, चाहे वो मूट कोर्ट सोसाइटी हो, चाहे वो लीगल सर्विस सोसाइटी हो, चाहे वो म्यूज़िक सोसाइटी हो, ड्रामा सोसाइटी हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में जाइए। मैं आपको एक बात कहूँगा कि अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं तो शायद इतना मैटर नहीं करेगी ये चीज़ें, अगर आप जुडिशरी में जाते हैं तो शायद थोड़ा बहुत मैटर करें, लेकिन अगर आप कॉरपोरेट फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे अच्छी सीवी बनाना चाहते हैं तो अभी से ही अपनी सीवी को बनाना शुरू कर दीजिए। अलग अलग सोसाइटियों में जाइए, काम करिए, इस लालच में मत रहिए कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। बस ये सोचिए कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, कितना अपनी सीवी को और बिल्ड कर सकते हैं।
ये चीज आपको काम आएगी कहाँ पर, ये चीज आपको काम आएगी आपकी इंटर्नशिप्स में। जब आप अपनी सीवी अच्छी बना लेंगे, आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो लोग पूछते हैं कि सर इंटर्नशिप कब से करनी चाहिए? जब जागो तभी सवेरा वाली बात है, आप जब से शुरू करेंगे तब से अच्छा होगा, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि इंटर्नशिप्स के लिए आप फोकस ये करिए कि आपको काम कहाँ सीखने को मिल रहा है, नाम के लिए मत जाइए, कोशिश कीजिए कि काम सीखें, जितना ज़्यादा हो सके काम सीखें। लिटिगेशन वालों से मैं खास कहना चाहूँगा, क्योंकि लिटिगेशन वालों से दिल मिलते हैं, हम भी लिटिगेशन करेंगे, आप भी लिटिगेशन करेंगे, तो आपको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि लिंक्स बनाइए। लिंक्स से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कॉन्टैक्ट सेव कर लें फ़ोन में, आपकी बात होती रहे, वो बात नहीं होती है। रिश्ते बनाइए, रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके लिए पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको नॉलेज होगी उसे प्रैक्टिकल लेवल पर आप कैसे अप्लाई करते हैं, ये आप इंटर्नशिप में सीखेंगे। और ये ही सीखना शायद मेरे लिए, मैं मानता हूँ, लॉ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो अपनी बुकिश नॉलेज है उसे प्रैक्टिकली कैसे कोर्ट्स में अप्लाई करते हैं। आपकी इंटरप्रिटेशन ही सब कुछ है और उसी के ऊपर आपका आगे का काम भी चलने वाला है। अब आगे हम एक सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि जुडिशियरी के लिए कैसे फोकस करें, कॉर्पोरेट के लिए कैसे फोकस करें, लिटिगेशन के लिए कैसे फोकस करें, या फिर एलएलबी के पास क्या क्या फील्ड हो सकती हैं। तो जल्द ही एक वीडियो और आएगी, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे हम, लगातार वीडियोस आपको नहीं दे पा रहे हैं, बहुत दुख भी होता है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि अब हम रेगुलर रहें। आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अगली वीडियो में जल्दी आपको मिलते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।